बाप दादा की जमीन बेच देंगे, जमीर नहीं बेचेंगे। बाप दादा की जमीन बेच सकते हैं, जमीर नहीं बेच सकते। झारखंड की राजनीति किस करवट बैठेगी कहना मुश्किल है। राज्यपाल रमेश बैस ने अब तक चुनाव आयोग के मंतव्य के बाद अपना फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यपाल के आदेश की प्रतीक्षा में है। चुनाव आयोग का फैसला सार्वजनिक होने के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना पत्ता खोलेंगे। इस बीच कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष के मंत्री एवं विधायक दल की बैठक एक राउंड की हो चुकी है। इसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित थे। झारखंड सरकार पर मंडरा रहे हर तरह के खतरों से निपटने के लिए झामुमो व कांग्रेस के नेता तैयार बैठे हैं। तरह तरह की रणनीति बनाई जा रही है। विधायक भी हेमंत दरबार में हाजिरी लगाकर समर्थन का भरोसा जता रहे हैं। उधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा वह भी अच्छा होगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी मुंगेरीलाल की तरह सपना देख रही है, भाजपा का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। कौन माइकल ले जाएगा हमको? बीजेपी वाला। अरे बीजेपी वाला का क्या, छोड़िए हटाइए। अच्छा, 50 अबव, डोंट टॉक 41, वी आर 50 अबव। लेकिन कह रहे हैं लोग कि 30-35 ही आए आप लोग। अरे अब ये तो कहने वाले लोग तो कहेंगे, कहने का काम है उनका कहना, वो तो कहते रहेंगे, हम क्या उसको। बाप दादा की जमीन बेच देंगे, जमीर नहीं बेचेंगे। बाप दादा की जमीन बेच सकते हैं, जमीर नहीं बेच सकते हैं। चलिए, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।